अच्छा एक वीडियो और मिली, इसमें ये दिखाया, ये वीडियो मैंने मैथ देख चुका हूँ, खैर इसमें ये दिखाया है कि गैर मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस्लाम में। मुझे पता है इस वीडियो से बहुत लोगों के विचार कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे, अलग होंगे, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन खैर इन लोगों ने, मौलवी मौलाना इस्लामिक स्कॉलर्स जितने भी लोग हैं इस वीडियो में, तो ये लोग एक अपने समाज में क्रेडिबिलिटी रखते होंगे और कुरान को दसों बार पढ़ा होगा, दसों बार पढ़ाया होगा, और इनकी बातों की कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी होती होगी, तभी हजार लोग सुनते होंगे और फॉलो करते होंगे। तो जाहिर सी बात है ये वीडियोज अगर वायरल होती होंगे, मुसलमान देखते होंगे, तो उनके मन में कुछ ना कुछ जाता होगा कि हाँ काफिरों के साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैटरीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को, काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब अहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो, किसको, मुशरिक मतलब गैर मुस्लिम को, जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद लोग जवाब दें कि जितनों ने ये बात कही है और जो जो ये बात कही है, और जवाब कमेंट में जरूर देना कि आप लोग इससे कितनी सहमति रखते हैं, और अगर ये लोग गलत हैं तो इन लोगों के अगेंस्ट आप क्या करने वाले हैं, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो जो भी देखे, इसके अगेंस्ट आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं अगर ये गलत हैं तो, ये आप मुसलमानों की बेइज्जती करा रहे हैं अगर ये गलत हैं तो, अगर ये सही हैं तो फिर सवाल फिर कुछ और बनते हैं, या फिर सीधा सीधा एक जवाब बनता है कि ऐसी मेंटालिटी के ह्यूमन बींग्स को इस भारत भूमि पर रहने का कोई हक नहीं है अगर ये सारे लोग सही हैं तो, जो लोगों के बीच ऐसे ऐसे गंदे गंदे तरीके से फ़र्क रखता हो। जय हिंद, वंदे मातरम।